तो पिछली बार आप लोगों ने देखा कि मेरी माइनक्राफ्ट की दुनिया में एक बवंडर आया जिसके बाद सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। मैं बहुत ही ज्यादा दुख में था, लेकिन तभी अचानक एक फोन आया। तड़े बोलना थड़ा बटन ना भैयो, मेरी बात मानने का नतीजा देख ले, इस बार तो तड़े बख्श रहा हूँ, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। एंड इसके बाद मिराक्युलसली मेरी माइनक्राफ्ट की दुनिया वापस आ चुकी थी, वैसी हरी भरी खुश मिसाज, जग्गू भग्गू, सब जिंदा थे एक बार फिर से। एनीवेज ये बहुत ही इवेंटफुल दिन खत्म हुआ एंड हम एक बार फिर से आ गए हैं माइनक्राफ्ट खेलने। हेलो गाइस, आई एम मखदूमी, मेरी तरफ से आप सभी को चूमी। और आज हमारे माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में ना कोई आ रहा है, कोई स्पेशल आ रहा है। मैं आ जाऊं क्या? नहीं, वो नहीं आ रहा। लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब है कि कैरी भाई जैसे ही मेरे वर्ल्ड में आए, मेरा इंटरनेट बंद हो गया और मैं डिस्कनेक्ट हो गया। एंड 15 मिनट बाद जब मैं रिकनेक्ट हुआ, तब तक कैरी भाई और गरीब ने मेरे वर्ल्ड की वाट लगा दी, तबाह कर दिया पूरा। कुछ तोड़ा वोड़ा तो नहीं तुमने मेरे इधर? भाई ये तो बोले अबे ये क्या है? भाई मेरी लिफ्ट, अबे भाई बहुत मेहनत से बनाई थी यार, अबे मेरा घर। भाई मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया, ये गरीब है। मेहमान हो तुम इसलिए छोड़ रहे हैं। यार कैरी भाई तुमको मजाक लग रहा है, पता है ये लिफ्ट बनाना कोई आसान काम नहीं था। इतना मुश्किल काम था। देखो सबसे पहले ऐसे समझो कि सोल सैंड और मैग्मा रॉक, ठीक है, ये दो टाइप की चीजें जो है ये पत्थर वहाँ नदर से लेकर आने पड़ते हैं। जाओ लेके आओ। अबे साले अब सुनो, तुम दोनों ने मिलके जो नुकसान करा है मेरा, वो तुम दोनों को भरना है, ठीक है? कैप्टन अमेरिका क्यों दिख रहा है? हाँ मैं कैप्टन अमेरिका हूँ भाई, मैं तुम एवेंजर्स की दुनिया में हो, ठीक है? ओए 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 सॉरी, पंगे नहीं, पंगे नहीं, मेरा एक फटका, वही सौ सुनार की एक लोहार की वाली बात हो जाएगी। यार मेहमान है हम, गलती से थोड़ी मर्यादा रखिए। यार ये मेहमान मेहमान बोल के काफी सारी गलतियाँ नहीं हो रही? प्यारी समझ गई यार, एक तो तुमने ये क्या कर दिया, मेरी इतनी प्यार से बनाई हुई लिफ्ट का ये तो भजिया पाव कर रहा है ना। अरे भाई तो अच्छी बात है, ये टेक्नोलॉजी बर्बाद कर रही है सारी चीजें यार। ये भी ठीक है। अरे ये लिफ्ट काम करती थी ऐसे? और नहीं तो क्या, अभी भी करती है ये देख। हेलो, हाय, किसी ने मेहनत की होगी, पता है कितने कितने महीनों की मेहनत थी मेरी, पूरे 10 साल तो नहीं 10 मिनट लगाए थे बनाने में। अरे यार मेरा फिश बम भी तोड़ दिया है, ये गलत क्या है यार? कौन सा फिश फार्म? अरे ये यार घर के अंदर मैंने फिश फार्म बनाया हुआ था, यहाँ पे बैठ के मैं मछलियाँ पकड़ता था। अंदर कौन करता है ये सब काम? अरे पता है कितना सुकून रहता था, समुद्र के किनारे नहीं जाना पड़ता था, बस यहाँ पे मच्छी फेंकता था और पूरी रात एएफके। बच्चे बाहर नहीं निकल रहे हैं। बाहर निकल के भी क्या करूंगा मैं, लेते हो? अरे जाके तो देखो, 1 सेकंड में नीचे पहुंच जाओगे 10,000 किलोमीटर, और कंट्रोल दबाओगे तो और तेज जाओगे। कंट्रोल दबाओगे तो और तेज जाओगे। ब्लैक होल जैसा फील आ गया भाई। या मैन, इंटरस्टेलर मर गया। अरे हट जा, बाहर निकलने दे। अरे मुझे क्यों मार? मेरा मार क्यों रहा है भाई? मेरा एक फटके में मर जाओगे भाई। तू मार क्यों रहा है? मैं कहाँ मार रहा हूँ, मेरे को मार दिया, मेरा साथी मार दिया तूने। अरे वो खुद मारा है, वो मैग्मा ब्लॉक के ऊपर खड़ा हो गया, उसको किसने बोला था? अरे तुम कहाँ जा रहे हो भाई, मेरे को नहीं पता घर का रास्ता, वापस पी जाओ मेरे। मेरा घर है, तेरे को रास्ता नहीं पता? अरे नहीं पता, खुद आते हैं, बहुत बड़ी दुनिया है यार। हेलो दोस्तों। अरे इसको मार के आओ, इसको मार के आओ, मारो मारो मारो। अबे शिट, मतलब मैं चाहता तो बचा सकता था लेकिन वी डोंट केयर। अरे यार मैं सच्ची में, पता है आप दोनों के लिए मस्त एकदम वो था, कुछ प्लान था, अगर आप लोग सुनना चाहेंगे तो बताओ बताओ। इधर आओ इधर आओ, आ जाइए दोनों। यार तुम लोग हमेशा ऐसे ऑकवर्डली एक दूसरे को देखने क्यों लग जाते हो? अपना काम कर रहा है। बात भी सही है, ये ऐसे कोई इंसान चल रहा होगा 4-50 बार चल जाएगा इन मशालों से ना। हाँ लेकिन ये मशाले माइनक्राफ्ट में ये मशाले हर्ट नहीं कर सकती। ये देखो इधर आओ, एक क्लासिक चीज दिखाता हूँ। माइनक्राफ्ट रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। शब्द एक साथ नहीं सुनने को मिले थे मुझे कभी, बट दिखा। आज सुनो, आज देखो आगे स्वाद। अरे उसको हाथ में लगाओ, पीट देगा वो। मार रहे एक मिनट, और ये मार नहीं रहा है। अरे मैंने पाल पोस के बड़ा गया ना इसको, तो ये मारता नहीं है। मत मारो यार, मत मारो उसे, बेचारा देखो कुछ नहीं कह रहा है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? नहीं। okay. हाँ तो यही तो है आप दोनों के लिए टास्क चैलेंज। क्या? सबसे पहले जो भी बंदा आयरन लेके आएगा, आयरन लेके आएगा, वो पहला चैलेंज जीत गया। तो मैं सामान तो दो। अच्छा लो यार, सामान चाहिए तो मैं ये लो, थोड़ी सी लकड़ी ले लो, क्योंकि जो जो चीजें चाहिए। अरे लकड़ी मत दे, बना के दे यार, लकड़ियां मत दे यार। अबे यार कैसे से हो? अच्छा ठीक है चलो दे रहा हूँ ये मैंने क्राफ्टिंग टेबल पे। 3 hours later बहुत इजी है, मतलब
मैं वही करने वाला हूँ। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, एग्जैक्टली बहुत इजी है। अरे कैरी भाई, वायरन कॉलम जिसको मार रहे थे उसको मार डालो। चीटिंग करता है तू। एक्स से, एक्स से, एक्स से मारो, एक्स से मारो। अरे एक्स तो इसको दे दिया ना गधे को मैंने। अरे यार, ये लो, अरे मिल गया, मिल गया, मिल गया। मैं दिया है डायमंड वाला दिया, उससे मारो, हाँ इससे मारो, जल्दी मरेगा। और उछल उछल के मारो, हाँ ये बहुत तगड़ा होता है सब। और आयरन देखो, आयरन बताइए, आयरन मिल गया है। मैं लिटरली आयरन गोलम के ऊपर खड़े होकर इनको चैलेंज दे रहा हूँ कि आयरन ले गया हो। अभी मेरी एक्स वापस करो पहले। नहीं ऐसे नहीं, बदतमीजी नहीं, मैं जला दूंगा। एक्स तो नहीं मिलती, तू जला, तू कुछ करवा। मैं खुद जल के भस्म हो जाऊंगा। मैं तेरी मदद करता हूँ। मैं नहीं, हाँ मैं खत्म। The next day, सारी मुर्गी, almost सारी मुर्गी खा गए हम। मार डालो, मार डालो, पर उनको कम से कम फरार तो मत करो। वो भाग जाएंगी। कैरी भाई पता है माइनक्राफ्ट ना एक जमाने में मुझे भी नहीं इतनी पसंद थी, पर जब समझ आने, अरे बस छोड़ दो, सारी मुर्गियां मर जाएगी, छोड़ दो, छोड़ दो बस। जब समझ आने लग गई फिर क्या होगा? फिर एक्चुअली में आई रियलाइज कि दिस इज नॉट दैट बैड। अच्छा, अभी हमने जो चिकन वगैरह इकट्ठा करा है या फिर अभी ये गांव को मार के क्या फेदर किया है मैंने इकट्ठा, और साथ में मैंने ये एग। अबे साले मैं गरीब हूँ। अभी आओ ना मेरे साथ। अरे यार वो गाय छोड़ दी। गाय 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 भाग रही है। ओए गाय भाग रही है, उसको गरीब तू कर लेगा ना, गरीब मत मार, मत मार, मत मार। What the hell is going on? देखो और कुछ भी करना, उस बेचारी बिल्ली को कुछ मत कहना, बड़े नाजों से पाल लिया मैंने, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। भाग रही है। अरे तुम पानी में घुस गई। नहीं छोड़ दे, जुल्मी वैशी दरिंदो छोड़ दे यार। Soon after, इधर इधर ये देखो, अभी तुमने जो खाना इकट्ठा करा है अब उस खाने को पकाओ। okay. ये जो है ये पकाने वाला औजार है, ये सबसे ऊपर जो पड़ा है ये देखो, ये जो एक जैसे से दिख रहे हैं इनमें से किसी में भी पका सकते हो, बस पकाने के लिए कोल चाहिए। कोल है ये रहा, कोल अंदर है, अंदर, अंदर लगा हुआ है, बेस्ट है। बस लेकिन जल नहीं रही है। अब वो आगे ग्लास पड़ा हुआ है, अब जलेगा, अब जलेगा। ठीक है खाना पका लो। गरीब कैनिबलिज्म में मानता है तू? क्या कैनिबलिज्म? अब गरीब तेरी बारी है। फेमिनिज्म नहीं, कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म इंसानों को मार के खाना भाई। अच्छा हाँ, अब, नहीं अब मानता वो, भाई मैं। वो नहीं, पर अच्छा है तू नहीं मानता, मैं मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ। क्या मुझे मार के खाने वाले? प्यारी समझ गई। यू मस्ट ट्राई। तोड़ रे, जाने दे, जाने दे, जाने दे, जाने दे। चला गया, नेदर में चला गया, जाते ही आएगा, वापस आएगा। गया ही नहीं, यहीं हूं। अरे रुको रुको, खाना लेके चलते हैं, अभी रुको। अच्छा, मैं पूरा पूरा भ्रमण दूंगा तुम्हें सबको। अच्छा ये देखो, ये वीट है, ये वीट लगाया हुआ है, वीट वीट भाई, टी टी नॉट डी। तो अभी ये देखिए, वीट से क्या है, ब्रेड बनती है। तो आप ये क्राफ्टिंग टेबल पे आइए, जो कि कहाँ है। अबे तुम मेरा क्राफ्टिंग टेबल भी तोड़ दिया है यार, तुम क्या क्या किया है तुमने? ये होती है सर क्राफ्टिंग टेबल, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप इस पे चीजें बना सकते हैं। अच्छा तो अब अगला चैलेंज जो है वो है नेदर चैलेंज। वहाँ क्या करना है? नेदर में हमें बेसिकली नेदर नहीं नहीं, हमें नेदर में एक्चुअली सोना है। क्या बोला तूने? आप चाहे तो एक दूसरे के साथ सो सकते हैं, मैं अकेला सोना प्रेफर करूंगा। बाकी हमें नेदर में सोना है, उसके लिए ना हमें वूल चाहिए होगी, बेड बनाना है, बेड बनाने के लिए वूल चाहिए होगी। वूल मिलेगी शीप से, तो चलिए शीप को ढूंढने चलेंगे। चलो भाई चलो। देखो थैंकफुली मेरे पास शीप जो है मेरे घर पे ही पड़ी है, एक शीप, दो शीप और यो जोगिंदर तीन। तो अब हम क्या करेंगे, क्राफ्टिंग टेबल से ये बना लेंगे हम बेड। ठीक है मेरे पास बिस्तर है, तीनों के लिए आ जाओ। आ जाओ चलिए। पर नेदर में जाने से पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी मत जा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, एक बार पीछे आ जाओ। वो कुछ दिखाना चाह रहा है, दिखाना चाह रहा है। यहाँ पे बहुत ही मैंने ना हमारे इंटेलेक्चुअल्स वगैरह जो है वो रखे हुए हैं। आ जाओ गरीब भाई, तुम भी आ जाओ। ये इंटेलेक्चुअल्स है, ये यहाँ पे जो है मेहनत करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये खुल नहीं रहा यार। अबे पीछे क्यों जा रहे हो भाई? तो अब ये सो के उठ गया, अब इनका इंटेलेक्ट आपको दिखेगा। बहुत बातूनी है, काफी बातें करते हैं। बातें समझ में आ रही है? एक ने मुझे बोला है कि ये जो ब्रह्मांड है हाँ? सिर्फ दिखने में गोल है, लेकिन असल में ये वो चकोर है, डिवाइडेड है। चढ़ा समझाओ इसे, स्क्वायर है। नहीं नहीं वो दूसरे वाले ने बोला है। अच्छा अच्छा, ये कुछ और कह रहा था।
बेवकूफ है तू तो। तो अभी हम नेदर में चलते हैं, वहाँ पे ना बेड लगाते हैं और वहाँ सो जाते हैं क्योंकि रात होने वाली है। नेदर में यहाँ पे इधर बस यहाँ पे इसके अंदर खड़े हो जाओ ऐसे संभल के क्योंकि लावा है, हर जगह लावा है। अब कैसे जाएं आगे? अब ऐसे जाएंगे, ये देखिए हम ब्रिज बनाएंगे। अरे मैं तो नशे में ही लग रहा हूँ अभी भी, ये क्या है, खत्म क्यों नहीं हो रही? अरे तू बाहर निकलना हो नशे लेना। आजा 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 आजा, ये बना रहे थे ब्रिज, आजा हेट लेके आते भाई। गुड रुक, एक ट्रिप लेके आ रहे हैं। मैं तू ओके ओके गुड रुक, आ रहे हैं हम एक ट्रिप लेके। ले लो ले लो, ये नेदर की ट्रिप ले रहे हैं यार। ओ भाई सही, मैं भी लूंगा ब्रो। ओ ब्रो नेदर का ट्रिप आ रहा है ब्रो। Eventually. क्यारी भाई एक काम करो, यहाँ लगा लो बेड, इस जगह पे। ओके okay. यहाँ बेड लगा लो। हाँ अब सो जाओ। हाँ बस सो जाओ, जा गरीब तू भी पास जाना, सो जा। मैं मर क्यों गया? अब यार कैरी भाई देखो, एक्चुअली मैं तुमको बेसिक्स सिखा रहा था माइनक्राफ्ट के, लेकिन साथ साथ में मैंने एक बढ़िया चीज भी तुमसे करवाई थी। वो आयरन गोलम को याद है मरवाया था? उससे तीन आयरन गिरा होगा। लाओ दो फिर। ठीक है तेरा? क्यों क्या हो गया? क्या हो गया? अरे क्या हो गया? अरे बार बार बात बात पे मारना शुरू कर देते हो यार। पहले मरवा दिया फिर कह रहा आयरन। अच्छा सॉरी आई फॉरगॉट, ये मर गए थे। मेन चैलेंज यार, दिस इज दी अल्टीमेट चैलेंज टाइम। ये पकड़ो, ये होती है वाटर बकेट, ठीक है? ये जो है ये माइनक्राफ्ट का सबसे भयंकर हथियार है। अब इसका एक रीजन है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इधर आके देखो। ये एक बाल्टी पानी है, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है एक बाल्टी पानी से कितना पानी फैल सकता है? एक बाल्टी पानी, तूने खुद ही बोल दिया एक ही बाल्टी, राइट? लेकिन नहीं, माइनक्राफ्ट से माइनक्राफ्ट से पूरी नदी बन जाती है एक बाल्टी पानी से। देखो ये एक बाल्टी पानी मैंने बस यहाँ से फैलाया, अबे देखना पूरी वॉटरफॉल बन जाएगी। तो ये जो है ये एक ट्रिक में भी कामयाब हेल्प करती है हमें, जिसको हम कहते हैं वाटर बकेट ट्रिक, जो हमारा नेक्स्ट चैलेंज है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मैं सीधा नीचे जाता हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली या तो मैं मर जाऊंगा या मेरे बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगी। लेकिन अगर मैं लैंड होने से पहले वहां पे वाटर डाल लूं अपनी बकेट से तो बच जाऊंगा। ऐसे पता नहीं क्यों ऐसे डेजा वू सा हो रहा है मुझे। नहीं नहीं ये पिछले जैसा नहीं है, ये एक्चुअली में है, ये बहुत डेंजरस ट्रिक है। लेकिन बहुत यू नो 55,000 इयर्स का कोर्स करना पड़ता है आपको। ओनली वन और टू पीपल कैन डू दिस, आई एम वन ऑफ देम। आर यू गोइंग टू बी द सेकंड वन? हाँ मैं समझ गया, पर आ जाओ। आ रहा हूं, 1 2 3। वो अलग ही नशे में है गरीब भाई, कुछ और ही कर रहा है वो वहीं पर था, वो ट्रिप ले रहा था अभी। देखो भाई कैरी भाई ने तो रियल लाइफ वाटर बकेट ट्रिक कर लिया है, गरीब भाई तेरे लिए रियल लाइफ लावा बकेट ट्रिक है, करेगा? कर लेंगे भाई। दो करना क्या इसमें बताओ? इधर आओ, ये देखो इधर सॉरी, ये इधर एक गड्ढा है। अरे इसकी काम, मैं पहले गिर गया उसी गड्ढे में, गिर गया भाई मैं। मैं प्रैंक करने वाला था इसके साथ, जिसको लावा में कूदवाने वाला था, ये बंदा खुद ही कूद गया। अब सुनो दोनों यहाँ पे आ जाओ, अब तुम्हारी दोनों की रेस होने वाली है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, यहाँ से करेंगे। देखो ये है स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से कहाँ? हाँ अभी मैं बताता हूँ ना, आओ मेरे पीछे आओ। इधर से चलेंगे हम, सबसे पहले ये जो रेल लाइन चल रही है इसको फॉलो करते हुए सीधा सीधा, और वो सामने वाला पहाड़ टच करके आ जाते हैं, ठीक है? जो पहले आया वो विनर। कौन सा पहाड़? ये बस यहाँ पे चढ़ के इस जगह पे बूम। ये तो बहुत ही, ये कैसी रेस हुई? 5 minutes later. डायमंड खत्म हो गया सर, आपने मेरा सारा डायमंड का सामान तो फोड़ दिया है। डायमंड का सामान ही फोड़ दिया हमने? वो उस वक्त मार नहीं दिया था मेरे को और फिर खुद भी मर गए, वो पता नहीं कहाँ गया। अरे तो तेरे पे बस इतना ही, तेरे पे अनलिमिटेड नहीं है क्या?
नहीं नहीं है वैसे, पर मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। अच्छा बोल नहीं सकते हो? नहीं नहीं, नहीं मेरे पास एक्चुअली मैं अनलिमिटेड है। इधर इधर मैं, अरे यार इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। नहीं 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 नहीं, अभी तो यार बोल दिया आपने, प्रूफ देना पड़ेगा। मैंने 6 घंटे लगा के 2 स्ट्रीम करी है जिसमें मैंने सिर्फ डायमंड माइन करा है। ऑन स्ट्रीम इधर आओ, इधर। अरे यार तुम, मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मैं नहीं दिखा रहा है। नहीं है, नहीं है, नहीं है भाई, वापस जाओ। नहीं है, अरे घोड़े वाले भैया है ही नहीं, है ही नहीं, जाओ कल आना। अरे यार, यार तुम थोड़ी ना होता है, हम देखना तो है। मेरा डायमंड प्लीज, उसको प्लीज कुछ मत करना। इस वाले डब्बे में ऊपर वाले में पड़ा हुआ है। अरे क्या कर रहे हो, उससे उतर के आ जाओ यार, मेरा पूरा घर क्यों तोड़ रहे हो? अरे भाई जगह नहीं है हमारे पास। अरे यार गधे से उतर के भी तो आया जा सकता है। घोड़ा है ना? अबे वो घोड़ा नहीं है, कैरी गधे पे बैठा हुआ है, तू घोड़े पे बैठा है। मैं गधे पे बैठा हूं। ये वाला खोलो, इसमें देखो 64 के डायमंड दिख रहे हैं और 4 ब्लॉक पड़े हैं। वो मैं ले लेता हूँ, वरना तुम ना उठा लो। The next day. ओ ये रहा, बेटे कहाँ गए थे तुम? इसका नाम रख दूँ मैं कुछ? इसका नाम है ऑलरेडी। क्या है नाम? इसका नाम है भग्गू। भग्गू? भग्गू। घोड़े का नाम है जग्गू, इसका नाम है भग्गू और इस दुनिया का नाम है हग्गू। बढ़िया नाम रखते हैं घोड़ों का यार, कुछ बादल आसमान चिंगारी। नहीं, नहीं यार वो इसको यही पसंद था, अब क्या बोलूं। इसको ये पसंद था? किससे पूछा इस, तूने? इस गधे से पूछा मैंने। इस गधे को कतई नहीं पसंद ये, इस गधे को लगता है कि तू गधा है। अब सुन ये मेरी साइड है ठीक है, और तेरी वो सामने वाली साइड है, और ये एरिया जो इस एरिया से ऊपर या नीचे भी गया वो भी आउट है। रेडी, 3, 2, 1 बैटल बिगिंस। ओए यार मेरा घोड़ा ही मर जाना मेरे को लग रहा है। कुछ नहीं होगा तेरे घोड़े को, आई होप सो, गारंटी मैं देता हूँ। और यहाँ पर घमासान युद्ध चलते हुए, कैरी वर्सेस गरीब, गरीब अपने घोड़े से वीली मारते हुए, और कैरी यहाँ पर क्रॉसबो का इस्तेमाल करते हुए, गरीब ने एरो लिया है क्रॉसबो की जगह और फिर भी फेल करते हुए अपना निशाना, और दोनों ने निशाना साधा, दोनों ने मिस करा। और यहाँ पर हिट लेते हुए गरीब कैरी यहाँ पर कुछ खतरे में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके गधे पर आर्मर भी नहीं है, तो सामने वाले का घोड़ा जो है वो डायमंड आर्मर के साथ है, काफी देर तक सर्वाइव कर सकता है। और यहाँ पर एक और हिट खाते हुए कैरी, और कैरी का गधा डेड हो चुका है। अब कैरी पैर पे और वो घोड़े पे, कैरी के पास तलवार, ये तलवार से मारना शुरू हुआ घोड़े पे, और यहाँ पर जग्गू से उतर चुका है गरीब, गरीब वर्सेस कैरी नाउ ऑन फुट। जग्गू भाई तू बच ले, भग्गू तो मर गया। रुको भाई एक सेकंड, मैं अपना घोड़ा बचा लेता हूँ। हाँ ये कर लो पहले। हाँ कंटिन्यू। एक कमाल की हिट लेते हुए, एक ही बारी में गेम को खत्म करते हुए कैरी, और इसी के साथ कैरी बन चुका है द अल्टीमेट चैंपियन। ये जीत जाती है मेरे घोड़े आतिश को। ये लीजिए, ये घोड़ा मैंने आज से आपके नाम करा है। ये घोड़ा मेरा है अब, ये ऑफिशियली आपका घोड़ा हो चुका है। ओ ये क्या था, ये क्या किया तुमने? ये वही मैं ढूंढ रहा था, अगर थोड़ी सैंड मिल जाती तो उड़ के दिखाता। सुपरमैन भी है पता है हम इसमें। अच्छा, मैं दिखाता हूँ, उड़ के दिखाता हूँ। अब देखो उड़ना, वो काम जो माइनक्राफ्ट खत्म होने के बाद होता है वो आज पहली दिन। चलो ठीक है भाई आओ दिखाओ भाई, उड़े तो सही। क्या आप उड़ना चाहेंगे? जी हाँ सर, हमें भी रू 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 करना है। सर घोड़े पे बैठे बैठे नहीं उड़ पाएंगे, नीचे उतरना पड़ेगा। अब अपने उस गोल्ड वाले चेस्ट प्लेट की जगह ये पहन लीजिए ठीक है। अब हाथ में वो रॉकेट पकड़ लो जो मैंने अभी दिए आपको। हाँ, पकड़ लिया। अब ऊपर की तरफ देखो, स्पेस दबा के जंप करो और साथ में फायर रॉकेट वाला बटन दबा दो, उड़ने लग जाओगे। मैं तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। नहीं नहीं, आगे को भागो, स्पेस बार दबाओ और सिर्फ साथ में बटन ऐसा। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। So? स्पेस बार जंप आगे की तरफ और राइट क्लिक। अरे हो रहा है आई थिंक हो जाएगा। 2 बार स्पेस दबाओ। हाँ सही था सही था सही था। अब ऊपर की तरफ, लेट्स गो भाई, घोड़ा आपका आएगा। अरे अरे बस एक रॉकेट यूज करना होता है भाई, बस एक रॉकेट से ही काफी उड़ जाता है। एक रॉकेट मारो और कहीं भी उड़ लो। So yeah guys, this was our first time of playing Minecraft with Carry, and I hope you guys enjoyed. If you did, make sure to like the video. I'll see you guys in the next video. Tab tak ke liye, thanks for watching.
लो।